अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात। एक कहावत है, नया मुल्ला है जोर से अल्लाह अल्लाह बोलेगा ये। और यही कुछ बात करते हैं हमारे साइंस आफरीदी। नया खून है, जवान खून है, बहुत सोचना भी नहीं और ये सब ट्वीट करते हैं। और PSL में उनकी टीम लाहौर कलंदर एकदम से टॉप चल रही थी, लग रहा था उनको हराना बहुत नामुमकिन है। और पेशावर जलमी ने आज उन्हें कुचल डाला। बात करते हैं पेशावर जलमी की। तो आज का मुकाबला था हमारे बाबर आजम और साहिश अफरीदी के बीच। बाबर आजम की टीम ने आज फेरबदल किए। ओपनिंग में सायम अयूब और बाबर खाम आए, बाबर आजम आए और दोनों ने 50-50 रन इंडिविजुअली बनाया और क्या ही किया। अब बाकी कसर कॉडमोर ने पूरी कर दिया, 200 का विकराल विशांत और बहुत भयानक स्कोर खड़ा कर दिया लाहौर कलंदर के बीच। हालांकि बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में साइंस अफरीदी ने 4 विकेट लिए और कुछ 31 रन दिए और हरीश राउत ने भी 2 विकेट लिए और कुछ 35 रन दिए। तो ऐसा बोलो कि 8 ओवर में 66 रन गया, बाकी के जो 12 ओवर थे उनमें 130 रन के आसपास ये लोग खा लिए थे। तो बाकी बॉलिंग कैसी हुई ये आपको मालूम ही है। बॉलिंग नहीं, ये बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन था बाबर आजम और सायम अयूब जो कि टॉप में आके ओपनिंग किए और ये डिसीजन उनके लिए कामयाब रहा। सायम अयूब जो कि उनको कंपेयर किया जाता है पुराने ज़माने के खतरनाक बल्लेबाज अपने सईद अनवर से, वो प्लेयर है। जवाब में ये जो हमारी टीम है लाहौर कलंदर, वो टीम पूरी चरमरा गई थी। आज इस वक्त मैं बोलता हूँ साइंस अफरीदी भाई, आपको सिकंदर राजा के ऊपर आने की क्या जरूरत थी? सिकंदर राजा से ऊपर आके आप खेल रहे हो, बड़े आपने 50 मारा है लेकिन वो 50-50 नहीं भाई। टीम को सिकंदर राजा एक एस्टेब्लिश बैट्समैन है, वो अगर खेलता अच्छे से तो आपकी टीम को उभार सकता था। खैर 200 रन का टारगेट बहुत बड़ा होता है, वो चेज करना बहुत मुश्किल होता है। खैर बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, फिया मामिनल्ला। थैंक यू भाई।